गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो बन रहा हूँ। एक मिनट मार्कर ले लो। नेक्स्ट वीडियो बन रहा है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्रेंडलियोटिक आइसोथर्म। आज नेक्स्ट आइसोथर्म हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, लैंगम्यूर आइसोथर्म। लैंगम्यूर आइसोथर्म, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैंगम्यूर आइसोथर्म। फ्रेंडलिच और लैंगम्यूर दो ही हमारे सिलेबस में है, तो लैंगम्यूर को आइए समझते हैं। लैंगम्यूर साहब ने क्या माना, इन्होंने दो एजप्शन माना। इनका जो एजप्शन था, इन्होंने दो एजप्शन माना, क्या कहा, एकदम यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर दो चीज क्या, कि जो एडजॉर्प्शन होगा बेटा, उसमें जो एडजॉर्बेट होगा, ये तो मालूम है, जो एडजॉर्बेट होगा वह बनाएगा मोनोलेयर ऑन द एडजॉर्बेंट। बस एक लाइन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर, किसी भी सॉलिड के सरफेस, मतलब जो एडजॉर्बेंट होगा उस पर जो एडजॉर्बेट, जो गैसियस मॉलिक्यूल होगा वह मोनोलेयर बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, वो क्या बनाएगा, मोनोलेयर। और दूसरा क्या है कि एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन, ये तो मालूम है, एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। 4 बज रहा है इस समय, सुबह का 4। वीडियो 2 दिन से नहीं बना था लेकिन अब बनना पड़ा, ठीक है। तो दो एजम्पशन हमको प्राप्त करना है, एडजॉर्बेट फॉर्म ए मोनोलेयर ऑन द सरफेस और एडजॉर्बेंट, एंड एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन बोथ आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मीन्स एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम डायनेमिक मतलब क्या, एडजॉर्प्शन भी हो डिसॉर्प्शन भी हो, मतलब दोनों लगातार साथ साथ चलता है, ठीक है। यहां का आप मान लीजिए रेट कांस्टेंट के ए, यहां का रेट कांस्टेंट आप क्या मान लेंगे, के बी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, अब ध्यान दो। अब मान लो यह सॉलिड का सरफेस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्बेंट, ठीक है। यह मान लीजिए गैसियस मॉलिक्यूल है, यह क्या हो गया, गैसियस मॉलिक्यूल, ध्यान समझिएगा, यह क्या हो गया, गैसियस मॉलिक्यूल, और यह पी ए प्रेशर से इसके ऊपर चिपक रहा है, मतलब ऊपर से क्या लग रहा है, पी ए प्रेशर, ध्यान दो। अब इट्स एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल पर इतना जो साइट है वह गैसियस मॉलिक्यूल क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया है, इतना साइट क्या है, अवेलेबल है, अवेलेबल साइट। देखो पहले इतना एडजॉर्प्शन हो चुका है, अब गैसियस मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन होगा तो इसके ऊपर तो होगा नहीं, जो एडजॉर्बेंट पर जो अवेलेबल जो बचा हुआ साइट है उसी पर होगा। सारा फंडा ही से है, मेरी बात समझो, एडजॉर्बेंट पे जो गैसियस मॉलिक्यूल कुछ एब्जॉर्ब हो गया और कुछ साइड बचा हुआ है इस पर होगा, जब इस पर होगा तो यहां से डिसॉर्प्शन होगा, यहां से जब डिसॉर्प्शन होगा तो फिर इस पर एडजॉर्प्शन होगा, जब इस पर एडजॉर्प्शन होगा तो फिर यहां से डिसॉर्प्शन होगा, मतलब एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो कितना, जैसे पहले एडजॉर्प्शन हुआ, अब कितना अवेलेबल साइट बचा हुआ है, अब उस पर एडजॉर्प्शन होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है। अब जहां पहले से एडजॉर्प्शन हो चुका अब वहां डिसॉर्प्शन होगा, मतलब पहले एडजॉर्प्शन हुआ फिर डिसॉर्प्शन हुआ फिर एडजॉर्प्शन हुआ फिर डिसॉर्प्शन हुआ, समझ में आ रहा है, बोलो। फिर क्या आप मानेंगे, टोटल यन साइट प्रेजेंट ऑन द एडजॉर्बेंट ऑन विच एडजॉर्प्शन अकर,
टोटल इस एडजॉर्बेंट पर यन साइट है जिस पर एडजॉर्प्शन होगा, क्या होगा, जिस पर एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम थीटा इज इक्वल टू मान रहे हैं अवेलेबल, अवेलेबल साइट, टोटल यन साइट है, यन साइट पर टोटल मान लो इस पर कितने साइट हैं, टोटल यन साइट है, यन साइट पर एडजॉर्प्शन होगा और उस यन साइट पर थीटा जो है जो अवेलेबल साइट है, मैंने कहा क्या थीटा इज इक्वल टू क्या है अवेलेबल साइट जिस पर क्या होगा एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। बोलो, इतना पॉज करके छापो जल्दी से, मिटाऊं इसको, मिटाऊं मैं, ठीक है, ऊपर मिटा रहा हूं। अब ध्यान दो, अब अवेलेबल साइट की बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या बोला है अवेलेबल साइट, तो थीटा क्या लिख सकते हैं साइट ऑक्युपाइड बाय, या साइट ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल अपॉन टोटल साइट। अवेलेबल साइट कैसे निकलेगा, कितना अवेलेबल साइट बचाओ कैसे निकलेगा, तो थीटा अवेलेबल साइट इज इक्वल टू साइट ऑक्युपाइड अपॉन टोटल साइट, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू साइड, साइट ऑक्युपाइड अपॉन टोटल साइट कितना है एन, तो साइट ऑक्युपाइड कितना हो जाएगा एन थीटा, बोलो साइट अवेलेबल साइट, साइट अवेलेबल साइट थीटा है तो कितना ऑक्युपाइड हुआ है एन थीटा ऑक्युपाइड हुआ है, ठीक है। और यहां पर एडजॉर्प्शन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक प्रेशर पर और दूसरा अवेलेबल साइट पर, किस पर डिपेंड करेगा अवेलेबल साइट, ठीक है। अब इसी रिलेशनशिप को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया बेटा, साइट अवेलेबल थीटा है तो इतना थीटा साइट खाली है तो कितना ऑक्युपाइड होगा यन थीटा। अब देखो, अब यहां से चलेंगे, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, मतलब प्रेशर जो गैस का लग रहा था, दूसरा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू अवेलेबल साइट, कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे ही डिपेंड करेगा, प्रेशर पर और अवेलेबल साइट पर। इसको और क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ, दोनों को कंबाइन करिए, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, पी ए इंटू, ठीक है, अवेलेबल साइट, ध्यान दीजिएगा अवेलेबल साइट कितना है थीटा और साइट ऑक्युपाइड बाय कितना है यन थीटा, तो टोटल साइट कितना है यन माइनस यन थीटा। अरे बेटा टोटल साइट यन है, ठीक है, उसमें से साइट ऑक्युपाइड निकाल दोगे तो यन थीटा बच जाएगा ना। फिर देखो, और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हटाओ, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए इंटू यन वन माइनस थीटा कर सकते हो, बोलो, या इसको और क्या लिख सकते हो, और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहां से हटाइए इसको, तो एडजॉर्प्शन हो रहा है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया था, तो के ए इंटू पी ए इंटू एन इंटू वन माइनस थीटा, ठीक है। इसको नीचे वाला मिटा रहा हूं मैं, हो रहा है क्लियर। अब देखो, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यन थीटा। अरे जितना साइट ऑक्युपाइड है, जो पहले से ऑक्युपाइड है वहीं से अब डिसॉर्प्शन होगा ना, अवेलेबल साइट में तो एब्जॉर्प्शन होगा और साइट जो ऑक्युपाइड है वहां से क्या होगा डिसॉर्प्शन होगा, तो डिसॉर्प्शन इज इक्वल, और क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू के बी इंटू यन थीटा। अब दोनों इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ
एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, मार्कर चेंज किया जाए, हल्का चल रहा है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को लिखो ये अब के इंटू पी ए इंटू एन वन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू एन थीटा होगा, एन एन कटा, के इंटू पी ए इंटू वन माइनस थीटा इज इक्वल टू के बी, यहाँ कर लो के अपॉन के बी इज के अपॉन के बी इंटू पी ए इज इक्वल टू बोलो थीटा अपॉन वन माइनस थीटा कर सकते हैं। अब देखो के के अपॉन के बी कॉन्स्टेंट है, इसको एक कॉन्स्टेंट मान लो के, ठीक है दोनों के मान लो। अब इधर चलते हैं, ठीक है क्या ले लेंगे अब इसको, के इंटू पी ए, के इंटू पी ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन वन माइनस थीटा, और इधर करो चेंज कर दो, वन माइनस थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन के इंटू पी ए कर सकते हैं बोलो, या इसको और क्या लिख सकते हैं, वन वन अपॉन थीटा थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन के पी ए प्लस वन, और वन माइनस थीटा इज इक्वल टू वन प्लस के पी ए अपॉन के पी ए कर सकते हैं बोलो भाई। समझ में सब आ रहा है, थीटा अपॉन वन अपॉन के पी ए कर सकते हैं, सॉरी देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, जब कॉमन लेनी है तीसरा जाएगा ना, यही मैं समझ रहा था गड़बड़ हो गया, अरे वन बाई थीटा कर लियो तो वन इधर चला गया बोलो। अब इसको क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, के पी ए अपॉन वन प्लस के पी ए, थीटा इज इक्वल टू के पी ए अपॉन वन प्लस के पी ए। अब थीटा को हम क्या मानेंगे, थीटा क्या था, एवलेबल साइड, तो एवलेबल साइड को हम क्या मान सकते हैं, एवलेबल साइड मतलब मास ऑफ द एडजॉर्बेंट और उस पर कितना अमाउंट क्या हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंडलिच लगाएंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई एम मान सकते हैं, क्यों, थीटा अवेलेबल स्पेस था, तो अवेलेबल स्पेस पर एक्स मास का क्या हो रहा है, एक्स अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब हो रहा है और मास उसका क्या एड्जॉर्बेंट हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी ए अपॉन वन प्लस के पी ए, दिस इज द लैंगमुइर आइसोथर्म, इसको क्या मान रहे हैं, लैंगमुइर आइसोथर्म। इसको और किताबों क्या लिखती हैं, यहाँ देखो क्यों लिखती हैं, एक्स अपॉन एम के को मान लेते हैं ए, ए मतलब के वाला ए इंटू पी ए अपॉन वन प्लस, इसको क्या मान लेंगे, बी इंटू पी ए, ठीक है। तो दिस इज द लैंगमुइर आइसोथर्म, आई होप आपको समझ में आया होगा, डेरिवेशन जो बीएससी थर्ड ईयर में भी है, यही पढ़ लो आपको, और इंटर के बच्चों को भी यही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल दिया हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो शाम तक बन जाएगा आपको, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।